आइसलैंड की राजधानी रिज्जेविक के पास एक ज्वालामुखी में विस्फोट वॉल्केनो एरप्शन हुआ है। यह इस ज्वालामुखी में 6000 साल में हुआ दूसरा विस्फोट है। पिछले साल 2021 में यह ज्वालामुखी 6 महीनों तक धधकता रहा था। अभी यह ज्ञात नहीं है कि मौजूदा विस्फोट कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इससे एविएशन के लिए कोई खतरा नहीं है। क्षेत्र में भूकंप की गतिविधियां बढ़ने से ज्वालामुखी विस्फोट का अनुमान लगाया जा रहा था। लावा के सतह पर आने से भूवैज्ञानिकों को चेतावनी मिल गई थी कि एक विस्फोट होने की संभावना है। यह ज्वालामुखी बुधवार को फट गया, जिसके बाद आइसलैंड के मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा कि स्थानीय मीडिया में आ रही लाइव तस्वीरों में लावा को बाहर आते देखा जा सकता है। यह धमाका रिज्जेविक से 40 किलोमीटर दूर माउंट फागराडल्स फजल ज्वालामुखी के पास हुआ, जिसमें से मार्च से सितंबर 2021 के बीच लावा निकलता रहा था, जिसने दूरदराज से आने वाले पर्यटकों और दर्शकों को काफी आकर्षित किया था। भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने वाले मौसम विभाग ने ट्विटर पर लिखा, विस्फोट फागराडल्स फजल के पास शुरू हुआ है। सटीक लोकेशन का अभी पता नहीं चल पाया है। बाद में एक ट्वीट में विभाग ने स्पष्ट किया, स्टोरा रूट से करीब 1.5 किलोमीटर उत्तर में मेराडालिर की घाटी में विस्फोट शुरू हुआ है। ज्वालामुखी से राख बाहर नहीं निकली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि गैसों के बाहर निकलने की वजह से प्रदूषण बढ़ सकता है। आइसलैंड की नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने AFP को बताया कि इससे कोई भी उड़ान प्रभावित नहीं हुई है। माउंट फागराडल्स फजल दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में रिज्जेविक प्रायद्वीप पर क्रिसुविक ज्वालामुखीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। आइसलैंड में 32 ज्वालामुखीय प्रणालियां हैं, जिन्हें सक्रिय माना जाता है। यह आंकड़ा यूरोप में सबसे ज्यादा है और यहां औसतन हर 5 साल में एक ज्वालामुखीय विस्फोट होता है।